दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर वाले एक्शन की तैयारी है। साउथ एमसीडी ने सर्वे करा लिया है और तोड़फोड़ के लिए पुलिस से मदद मांग ली है। शाहीन बाग वही जगह है जहां सीए और एनआरसी को लेकर भारी विरोध हुआ। महिलाओं का सबसे लंबा आंदोलन चला, 55 दिनों तक चक्का जाम रहा, हाईवे तक बंद रहा। साउथ एमसीडी की माने तो शाहीन बाग में बने अवैध निर्माण को हटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, इंतजार 9 मई का है। जैसे पुलिस बल हमारे को मिलेगा हम दोबारा से एक्शन में आएंगे। क्या 9 तारीख का जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है वो अपनी जगह जारी रहेगा या वो भी स्थगित हुआ? नहीं, अभी वो स्थगित नहीं हुआ। आज की पोजीशन सिर्फ जो स्थगित हुई है, आगे के प्रोग्राम ऑलरेडी हमने लिस्ट करके दिए हुए हैं और प्रोग्राम का हमने रोड मैप बना के दिया हुआ है, उसको हम उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करेंगे। शाहीन बाग में बुलडोजर का खौफ साफ दिख रहा है। लोगों ने एक्शन की बात सुनकर ही अपने सामान समेटने शुरू कर दिए, अवैध निर्माण भी हटा रहे हैं। शाहीन बाग जामिया नगर के इलाके में एक बार फिर आज अतिक्रमण नहीं हटाया गया। पुलिस के सूत्रों से हमें पता चला है कि यहाँ पर ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती नहीं हो पाई, इसलिए साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो यहाँ पर अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई। यहाँ पर जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, देखिए इनको कैसे हटाया गया है, सामान को पीछे हटाकर रखा गया है और ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर की कहानी शुरू हुई थी यूपी से, जब योगी ने माफियाओं की संपत्ति और अवैध निर्माण को ढहाना शुरू किया था, जो आज भी बदस्तूर जारी है। लखनऊ में हनुमान मंदिर परिसर में अवैध रूप से तैयार हो रहे कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला। कानपुर में मदरसे के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। मतलब ये कि बुलडोजर ना तो मस्जिद देख रहा है और ना ही मंदिर। मतलब ये कि बुलडोजर ना तो हिंदू देख रहा है और ना ही मुसलमान। कानून व्यवस्था पर बहस न हो, लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उस पर बहस न हो, इसीलिए सरकार ये बुलडोजर चला रही है। और सवाल बुलडोजर का अगर है तो वो दल देख करके, जाति देख करके और ये देख करके कि मुसलमान का है इसलिए बुलडोजर चलेगा। थोड़ा फ्लैशबैक में चलें तो आपने राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलते देखा और जहांगीरपुरी में मंदिर के बाहर के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर एक्शन में दिखा। आपने खरगोन में हिंसा के आरोपियों के ठिकानों पर भी बुलडोजर चलते दिखा, तो गुजरात के खंभात में हिंसा वाली जगह पर भी बुलडोजर वाली कार्रवाई देखी। लेकिन मुसलमान वोट बैंक की सियासत करने वाले नेताओं को बुलडोजर वाले एक्शन में हिंदू मुसलमान भी नजर आ रहा है। रूल ऑफ लॉ नहीं है बल्कि रूल बाय बुलडोजर चल रहा है। एक नया ज्यूरिसप्रूडेंस क्रिएट हो गया, बुलडोजर ज्यूरिसप्रूडेंस, क्योंकि वहां की बीजेपी की सरकार को कोर्ट पर, संविधान पर, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर मुस्लिम समाज को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। बुलडोजर पर बहस लंबी हो चली है। बुलडोजर भले ही माफियाओं को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, भले ही विकास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, भले ही इससे अवैध निर्माण हटाए जा रहे हों, लेकिन लोग हिंदू मुसलमान के एंगल वाला सियासी तड़का जरूर लगा रहे हैं। आज तक देरो सीए प्रोटेस्ट, सीए एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो विरोध हुआ था शाहीन बाग में, उसी का बदला ले रही है क्या सरकार? देखिए, सावन के अंधे को और कांग्रेस के बंदे को हर चीज हरा हरा ही नजर आता है और इसीलिए वैसे सार्वजनिक जमीन पर नमाज कर दे तो इनको सेक्युलर लगता है और कोई हनुमान चालीसा बोल दे तो सेडिशन लगा देते हैं। परंतु मैं लिस्ट लेकर आया हूँ, 5 तारीख को कालिंदी कुंज में चल रहा है, 6 तारीख को श्रीनिवासपुरी चल रहा है, 9 तारीख को शाहीन बाग में चल रहा है, 10 तारीख को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चल रहा है, 11 तारीख को लोधी कॉलोनी और मेहरचंद मार्केट में चल रहा है, 13 तारीख को खड्डा कॉलोनी में चल रहा है। परंतु इनको केवल शाहीन बाग नजर आता है क्योंकि ये दिशाहीन इकोसिस्टम है। ये दिशाहीन इकोसिस्टम ये है कि जब दंगे होते हैं तो दंगा तो सेक्युलर कहलाया जाता है, परंतु दंगाइयों पर कार्रवाई सांप्रदायिक हो जाती है।
जाती है, अतिक्रमण सेक्युलर हो जाता है, अतिक्रमण पर कार्रवाई कॉम्युनल हो जाती है, पत्थर इनके लिए सेक्युलर है परंतु बुलडोजर इनके लिए सांप्रदायिक बन जाता है। तो इनकी दिक्कत ही केवल इतनी है कि हर चीज को हिंदू मुसलमान करते हैं, और जो लोग बिजली भी हिंदू मुसलमान देखकर बांटते हो राजस्थान में, हिंदू की नववर्ष की यात्रा उस पर 144 लगा देते हो परंतु अलविदा जुमा की नमाज हो तो लाउडस्पीकर लगाने चले जाते हैं, और जोधपुर में जयपुर में सड़कों को ब्लॉक कर देते हैं, जो करौली में दंगे होते हैं उनके मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाते परंतु दंगाइयों पर कार्रवाई होती है तो ये चीखने लग जाते हैं। ऐसे लोगों से मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई भी जनता शाहीन बाग को कवर अप करने के लिए इतनी जगहों पर आप लोग चला रहे, क्योंकि हमें याद है झाजी और गुप्ता जी की दुकान पर भी चला था बुलडोजर जहांगीरपुरी में, लेकिन आपको पहुंचना उस मस्जिद तक था जहां से आरोप है पत्थर। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस का हाथ हमेशा दंगाइयों के साथ, और दंगाइयों के साथ इस प्रकार से है कि जब खरगोन में बुलडोजर चला था तो उसमें कपिल सिब्बल गए थे कोर्ट, और उन्होंने कहा केवल मुस्लिम घरों पर चला था, केवल मुस्लिम अतिक्रमण और दुकानों पर चला था, तो कोर्ट में पेश किया गया कि 80 दुकानें थी जो हिंदुओं की थी, 25 या कुछ थी जो मुसलमानों की थी। आप देख सकते हैं, आपने खुद वहां पर इंटरव्यू किया था कि झा की पान की दुकान पर भी चला था और गोपाल जूस सेंटर पर, गणेश जूस सेंटर पर भी चला था, परंतु इन्होंने केवल क्या झूठ फैलाया कि केवल मुसलमानों की दुकान पर अतिक्रमण जो है उस पर ही बुलडोजर चल रहा है। तो ये सांप्रदायिक रंग कौन दे रहा है अतिक्रमण हटाने को भी? राधिका जी वो कह रहे हैं प्रदायिक रंग आप दे रहे हैं, बार बार कहते हैं मुस्लिमों के खिलाफ है, ये तो गुप्ता जी झाजी किसी को नहीं छोड़ते। सबसे पहले तो शहजाद जी, मुझे ये समझ नहीं आता आपको हरे रंग से इतनी तकलीफ क्यों है। हरा रंग तो प्रगति का प्रतीक है, हरा रंग तो खुशहाली का प्रतीक है। हरा रंग के बीच में तो बोल रहे आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, जो प्रगति का प्रतीक आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। शहजाद जी डोंट बी अनफेयर, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है शहजाद, प्लीज। यही तो तकलीफ है, जब जब सच बोलेंगे जनता के सामने तब तक ये बीच में चिल्लाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं फिर बोलती हूँ, खुशहाली और प्रगति का प्रतीक है हरा रंग। हरा रंग हमारे झंडे में भी है, हो सकता है इन लोगों को उससे तकलीफ हो, क्योंकि इन लोगों ने कभी झंडा नहीं लहराया था अपने आरएसएस के और भाजपा के हेडक्वार्टर पे। अब वापस आते हैं मुद्दे पे, बुलडोजर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। किस पे चल रहा है अंजना जी? क्या बुलडोजर आदेश गुप्ता जी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, उनके घर पे चल रहा है? चारों तरफ से आप जाके फैक्ट चेक करवाइएगा अपनी टीम को भेज के, चारों तरफ से उनके घर के आसपास अवैध निर्माण है, क्या चलाएंगे? लिस्ट इन्होंने गिनवा दी, लेकिन आदेश गुप्ता जी का नाम छोड़ दिया। क्यों भाई? क्योंकि वो अमीर है। मैं आपके चैनल पे दावे से कहती हूँ, आप अपने साथियों पे, अपने नेताओं पे और अमीरों के घर पे बुलडोजर चलाइए, गरीब आदमी अपने आप बुलडोजर चला देगा अपने घर पे और अपने आप अवैध निर्माण गिरा देगा। लेकिन अब बात करते हैं, क्योंकि आपने खुद गिनवाया कि बुलडोजर कहाँ चला, गणेश गुप्ता जी की दुकान पे चला, आप भी वहां गई थी। गणेश गुप्ता जी जो जूस की दुकान के मालिक है, उन्होंने तो दस्तावेज भी दिखाए थे, वो कागज जो उन सरकारी है, जहां पे रजिस्ट्री भी है, उन्होंने सरकार के साथ प्रॉपर दस्तावेज है। फिर जो रमन झा है जिनकी नमकीन की दुकान थी, उनके पास भी एमसीडी के कागजात थे, लेकिन क्या इन्होंने वो कागजात देखे? बात बात पे तो ये सबको कहते हैं कागज दिखाइए, कागज दिखाइए। जब कोई कागज दिखाता है तो आप उनके घर पे बुलडोजर चला देते हैं। क्यों भाई? ऐसा क्या था? वो टैक्स भरते हैं, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए। और अंजना जी, साफ तौर पे मैं कहती हूं, आर्टिकल 21 हमें क्या राइट देता है? टू लिव विद डिग्निटी। और सुप्रीम कोर्ट हर बार, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने हर फैसले में जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये कहता है कि आर्टिकल 21 के तहत सबके पास ये हक है कि उनके सर पे छत हो, और कहीं पे अगर अवैध निर्माण हटाया जाएगा तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे उनको नोटिस सर्व किया जाए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ चीजें करी जाए। क्या किया इन्होंने? बस आए बुलडोजर चलाया और कुछ भी। दो लाइन का सर, क्योंकि मैं आने मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, 2010 नोटिस देते नहीं है। हाँ, मैं आपको इसी पे आ रहा हूँ, ये आपका राज है, जो कर लीजिए। मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। 2010 का दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आया, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कोई अतिक्रमण पब्लिक रोड पर हो, सरकारी एनक्रोचमेंट सरकारी रोड पर हो, उस पर नोटिस की वैसे आवश्यकता नहीं होती है, परंतु दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत सारी प्रक्रिया अपनाई गई। परंतु मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं तर्क से। कल राधिका खेड़ा कांग्रेस प्रवक्ता छोड़ दे बनना और कहे कि मैं मटन की दुकान एम्स फ्लाईओवर पर लगाऊंगी, इनको नोटिस दिया जाएगा पहले एम्स फ्लाईओवर से इनकी मटन की दुकान हटाने से पहले? बोलिए, ये तर्क वाली बात है कोई? और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने गणेश जूस सेंटर की बात की, इन्होंने बाकी बात की, आदेश गुप्ता की भी बात की, आदेश गुप्ता जी के खिलाफ एक अमीर कॉलोनी है आपकी लिस्ट में जहां पर आपने आप गिरा रहे अवैध निर्माण जी, क्या जितनी लिस्ट है जो अमीरों के बहुत सारी कॉलोनियां हैं इसी दिल्ली में? नहीं नहीं, आपके हिसाब से, नहीं आपके हिसाब से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सबसे गरीब लोग रहते हैं या लोधी कॉलोनी मर्चेंट मार्केट में सबसे गरीब लोग रहते हैं? आप मुझे बता दीजिए, आप राधिका जी मुझसे ज्यादा दिल्ली में, मुझे सैनिक फार्म्स बताइए। नहीं नहीं, सैनिक फार्म्स क्यों नहीं, सब जगह जाएंगे, जहां पर पतियों के घर सब जगह जाएंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कहीं पर छूटा होगा तो क्योंकि उसका धर्म कोई है उसको छोड़ नहीं। परंतु मेरा सवाल इनसे एक है, मेरा सवाल इनसे एक है कि जो जहांगीरपुरी में डेलीगेशन बनाकर जा सकते हैं
मंदिर जब अलवर में 300 वर्षीय इन्होंने तोड़ा था तो राहुल गांधी ने एक भी बार ट्वीट नहीं किया था। राहुल गांधी का एक भी ट्वीट राजस्थान के मंदिर को ध्वस्त करने पर क्यों नहीं आया बताइए? जहांगीरपुरी पर तो आ गया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी है हरे रंग में, अंजना जी हरे रंग में म्युनिसिपैलिटी में बीजेपी है, यही जवाब होगा ना आपका? राहुल जी ने क्यों नहीं खेद प्रकट किया? अंजना जी मंदिर टूटने पर जनता सवाल पूछती है कि पेट्रोल 120 रुपए लीटर क्यों है, तो ये कहते हैं क्योंकि राहुल गांधी जी नेपाल गए हैं। सुनिए तब ये कहेंगे, अरे सुनिए ना, आपके बीच में कोई नहीं बोलता। जब पूछेंगे 120 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों है तो कहेंगे क्योंकि राहुल जी नेपाल गए। फिर पूछेंगे कि 70 रुपए के पार सीएनजी क्यों हो गया तो बोलेंगे क्योंकि राहुल गांधी जी ने ट्वीट नहीं किया। फिर पूछेंगे देश की जनता, देश का युवा बेरोजगार क्यों है तो बोलेंगे आज राहुल गांधी जी ने, आज राहुल गांधी जी ने मैगी खा लिया। अरे सुनिए ना, अगर इतनी शर्मिंदगी है राहुल गांधी से तो हटा दो ना उनको। पहला अतिक्रमण खाली करो राहुल गांधी का, पहला अतिक्रमण खाली करो इनका। मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मेरे को मेरी बात कंप्लीट करनी है। अगर आपकी व्यथा समझ, आपकी व्यथा समझ शहजाद जी, अगर इनको ऐसे करना है तो मैं क्या ही बोलूं। राधिका जी पे बात करते हैं, हर चीज के लिए अगर राहुल गांधी जी जिम्मेदार है, 120 रुपए पेट्रोल क्यों है, ट्वीट क्यों नहीं किया, क्या कर रहे हैं मोदी जी? सिर्फ ओ माय गॉड, मोदी जी का काम सिर्फ ओ माय गॉड करना है। अरे छोड़ दीजिए ना, जाइए पाकिस्तान में बिरयानी।